अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो आज हम मैं बनाने लगी हूँ स्प्रिंग रोल और उसकी जो रोल पट्टी है वो भी बनाने लगी हूँ। अगर और इसको अगर आपको पसंद आए तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं बनाने। तो आइए पहले उसकी फिलिंग देख लें स्प्रिंग रोल के लिए। ये मैंने बंद गोभी का एक छोटा फूल लिया है, एक शिमला मिर्च ली है, एक बड़ी गाजर ली है, साथ में पांच छः सब्ज मिर्चें ली हैं उनको काट लिया है सारे कुछ। और इसमें जो जाएगा वो ये एक चम्मच नमक है, ये क्रश चिल्ली है, डेढ़ चम्मच सूखी मेथी है, ये आप अपनी मर्जी से डालें, सूखा धनिया ये भी दो चम्मच है, ज़ीरा डाला है, एक चम्मच हल्दी है आधा टी स्पून, और सुरख मिर्चें हैं वो भी आधा टी स्पून है, क्योंकि सब्ज मिर्चें ये रेड चिली और ये वाली जाएगी इसलिए ये मैंने थोड़ी डाली है ताकि वो तेज़ ना हो जाए। तो उसके लिए मैंने लिए तीन कप जो बनाने हैं वो रोल पट्टी बनानी है जो उसके लिए मैंने तीन कप मैदा लिया। और इसमें जाएगा एक चम्मच ये नमक, एक चम्मच नमक जाएगा। और इसमें डालूंगी मैं पाँच छः चम्मच ऑयल के और पानी के साथ इसको गूंथ लूँगी। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। तो नमक मैंने डाल लिया है, अब इसको मिक्स करती हूँ। अब इसमें डालूंगी पाँच से छः चम्मच ऑयल के, इसमें डाला और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको सख्त, ना ज़्यादा सख्त गूंदना है ना ज़्यादा नरम गूंदना है, दरमियाना सा इसको करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदूंगी। थोड़ा सा डाल के इसको अच्छे से गूंदूंगी। ये जितना अच्छा गूंदा होगा उतनी अच्छी पट्टी बनेगी इसकी। बस इसको मैंने रेस्ट के लिए रखने लगी हूँ। इतनी देर में हमें इसकी फिलिंग की सब्ज़ी तैयार कर लूँगी और इसको मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के तो रेस्ट के लिए रख देती हूँ। अब मैं इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ जो फिलिंग करनी है। ये मैं अब सब्ज़ी रेडी करने लगी हूँ। आप देखें मैंने सिर्फ दो से तीन टेबलस्पून ऑयल डालने लगी हूँ क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ऑयल ही नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेल गर्म हो गया, इसमें मैं ये सारे जो आपको चीज़ें दिखाई हैं ये डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मैं प्याज भूल गई थी तो प्याज भी डालनी है इसमें, वो मैंने एक छोटी प्याज काट ली है तो वो आपके सामने। सबसे पहले इसमें जाएगा इसको थोड़ा सा, इनको पकाना नहीं है इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है बस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्याज गई है, सब कुछ साथ ही डाल देंगे। तो ये गाजर और सुरख सब्ज मिर्ची है, अच्छा
शिमला मिर्च के, और ये एक छोटा फूल बंद गोभी का था वो मैंने काट लिया था, वो दो से तीन टेबलस्पून। ये जो मैंने बांध को भी बिछाई थी ये वापस डालने लगी हूँ इसमें, क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन ये ठीक है। तो अब मैं इसमें डालने लगी हूँ सॉसेजेस, जो कि मैंने चार सॉसेजेस लिए हैं, उनको काट के सेंटर में से इस तरह किया। चिकन नहीं डाल रहे हम लोग, तो ये सॉसेजेस डाल। अब ये डाल इसमें, ये मेज़ा मेरा रेडी हो गया। अब मैं इसको आग को बंद करके तो इसको ठंडा होने के लिए रख लूँगी। इतनी देर में हम इसकी वो रोटियां बना लेंगे। ये हमारा आटा बहुत अच्छा हो गया सॉफ्ट, ये देखें। अब इसके मैं छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी और इसको बेल बेलेंगे। देखें बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बनानी है। ये पांच और दो दफ़ा करूँगी, तो ये मैंने पांच एक टाइम पे रोटियाँ ऊपर नीचे रख के बेल के रखूँगी। तो ये मैंने 10 पेड़े बना लिए, अभी हमारे पास और आटा बचा हुआ है, तो मैं अभी सिर्फ 10 ये बनाने लगी हूँ। इसको बेल बेल के बिस्में ला रहा हूँ। देखें हमारी सारी रोटियां हो गई हैं। अब मैं इसको करूँगी, सबसे पहले इस पर लगाऊंगी, ये ऑयल रखा हुआ मैंने, तो ऑयल लगा के अच्छी तरह सारी साइडों पे ऑयल लगना है, और फिर इस पर मैदा आपने स्प्रिंकल कर देना, फिर इसी तरह अगली पे भी इसी तरह। ये एक टाइम में मैं पांच रोटियां करूंगी, क्योंकि अगर तवा बहुत बड़ा हो फिर आप ज़्यादा कर सकते हैं, तो पांच करके करूंगी ताकि ज़्यादा बढ़ाना हो जाए। इस पे मैदा किया,
तो हमारा गर्म है, इसको भी ऊपर आप डाल देते हैं। ये बहुत अच्छी बन गई है। तो इसको मैं बाद में करती हूँ, ये जो मेरी एक रह गई थी तो इकट्ठी भी उतर गई है, इसको ये बहुत गर्म है, इसको ज़रा एहतियात से बनाइएगा क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा जलते हैं। ये हो गई है हमारी सारी रेडी। इसके पीसेस बचेंगे, ये आप इसके जो पीसेस बचेंगे उसको वेस्ट नहीं कीजिएगा। ये हमारे जब चना चाट बनाएंगे उसके लिए, हमें पापड़ी के लिए रोस्ट कर लेंगे, ये वो भी बड़ी अच्छी हो जाएंगी। तो अब इसको हम कटिंग करते हैं। को काट के एक शार्पनर में रखेंगे ताकि ये सूख ना जाए। तो ये देखें हमारी रोल पट्टियां रेडी हो गई हैं, बहुत अच्छी। अभी तो हमने फिलिंग बनाई है, उससे इसके रोल बनाएंगे। तो अभी बस ये देखें हमने रोल बना लिए हैं और अब इनको फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें हमारे रोल रेडी हो गए हैं। ये अंदर से सब्जी से नज़र आ रही है और वो सॉसेज जो हमने डाले थे, आपकी मर्ज़ी, आप चाहे इसमें चिकन भी शामिल कर सकते हैं, कीमा भी कर सकते हैं, जो जिसको अच्छा लगे वो इस तरह के बना लें। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।